डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभास है और मैं पंजाब के मोहाली शहर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी जानकारी देना चाहता हूँ। उस समय मैं 15 साल का था जब मैं अनाथ हो गया था। मेरे माँ बाप की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई और उसके बाद जिंदगी मेरे समझ में आई। मेरे पिता एक सरकारी नौकरी किया करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद जैसे घर के हालात ही बदल गए। कई रिश्तेदार हुआ करते थे जो मेरे पिताजी से उधार लिया करते थे। मेरे पिता मुझे बताया भी करते थे, लेकिन बाद में पैसे वापस करने वाला कोई नहीं आया, मदद करने वाला कोई नहीं आया। खुद को खुद ही संभालना पड़ा। मैं पढ़ाई कर रहा था, साथ में मुझे काम भी करना पड़ा। अब आस पड़ोस के लोग फिर भी अच्छे थे, खाने पीने को कुछ दे दिया करते थे। कभी किसी के घर जाकर खाना खाया करता, कभी किसी के घर जाकर खाना खाया करता। रिश्तेदार भी मुझे अपने घर ले जाना नहीं चाहते थे और मैंने खुद को खुद ही संभालना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जिंदगी आसान हो तो आप कमज़ोर हो जाते हैं, जिंदगी मुश्किल हो तो आप मजबूत हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, शायद इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था। मैंने कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। पहले मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था, मस्ती में ध्यान रहता था। अब खुद पैसे कमाने पड़ते थे तो पढ़ाई में बिल्कुल घुस जाया करता था, नंबर भी अच्छे लाने लगा था। फिर मुझे लगने लगा कि नौकरी करके मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। सही समय पर एक किताब मेरे हाथ लग गई। उस किताब में बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए थे। एक कोट ने मेरे दिमाग में घर कर दिया, आप नौकरी करके कभी अमीर नहीं बन सकते, नौकरी करने वाले हमेशा नौकर बनकर ही रहेंगे। वो बड़ी गाड़ियाँ खरीद नहीं सकते क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है वो सीमित होती है। अगर आप अपना काम करेंगे तो असीमित पैसे कमा सकते हैं, आपका फैलाव सीमित नहीं होता। इसी तरह मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। सारा दिन मैं अलग अलग तरह के काम करता, नौकरी नहीं करता। मैंने मोमोज की रेहड़ी भी लगाई। इसी के साथ मैं खाने पीने का सामान बेचता, छोटा सा रेस्टोरेंट बनाने के बारे में भी सोचा था। इसी के साथ मोबाइल शॉप चलाने के बारे में भी सोचा था। छोटे छोटे काम मैं करता रहा था और एक ऐसी दुकान बन गई थी जहाँ खाने का सामान भी मिलता, मोबाइल की रिपेयर भी होती, टीवी को रिपेयर भी करता, घर में मजदूरी का काम हो मैं वो भी करने को चला जाता। हर तरह से मैं पैसे कमाने लगा था और अब मुझे ज़िंदगी का मकसद भी पता चलना शुरू हो गया। हम सब एक कुएं में फंसे हुए हैं, कुएं के मेंढक हैं। हमें लगता है नौकरी करेंगे, धीरे धीरे बच्चे होंगे, उसके बाद जिंदगी चलेगी, फिर बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर होंगे, घूमने फिरने के लिए जाएंगे। बूढ़े होकर कहाँ घूमने जाओगे, हड्डियाँ तो काम नहीं करेंगी, दिमाग काम नहीं करेगा। उस समय रिटायरमेंट का क्या फ़ायदा, रिटायर उस समय होना चाहिए जब आपके शरीर में जान भी हो। इसीलिए मैंने जान लगा कर काम करना शुरू कर दिया। पैसे कमाने हैं और जल्दी कमाने हैं, इसीलिए धीरे धीरे मैं सफल होता भी गया। 30 साल की उम्र में ही मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए थे और शायद मेरे पिता ऊपर से मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। पहले जब मैं स्कूल में भी हुआ करता था, सब मुझे चिढ़ाया करते थे, मोटा मोटा कहा करते थे। सेहत अब मैंने अच्छी कर ली थी, दिखने में मैं अच्छा था, सफल हो चुका था, पैसे कमा चुका था। अब वो सब मेरे आस पास घूमते रहते, काम के लिए कहते। जो दोस्त मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, जो रिश्तेदार मेरे अनाथ होने के बाद मुझे घर ले जाना नहीं चाहते थे, वो तो खुद मेरे पांव पड़ने लगे थे कि हमारे घर आइए, हमारे बच्चों के लिए कुछ कीजिए। अब जिंदगी ने जो सिखाया है, मैं उन नियमों का पालन करता रहूँगा। जिन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगा। इसीलिए मैं लोगों से दूर रहने लगा था। अकेलेपन का एहसास तो होता, लेकिन अकेलेपन का एक अलग फ़ायदा है। ना आपका कोई दिल तोड़ सकता है, ना आपको कोई दुखी कर सकता है। कई लड़कियां थीं जो मुझे पसंद किया करती, मैं उनकी आंखें पढ़ सकता था। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, मेरे पैसों को पसंद करती थी।
इसीलिए मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जो मेरे पैसों के लिए मेरे पास ना आना चाहे, बल्कि मेरा इस चरित्र को देखकर, मेरी मेहनत को देखकर या मेरे स्वभाव को देखकर मुझे पसंद करे, फिर मैं उससे शादी करूंगा। और मुझे यकीन कीजिए, एक भी लड़की ऐसी नहीं मिल रही थी। हर लड़की पैसे के लिए पास आ रही थी, कुछ तो ये कह रही थी कि वीज़ा लगवाकर कनाडा चले जाते हैं, लेकिन असल में वो कनाडा का वीज़ा चाहती थी, मुझे नहीं चाहती थी। मैं अकेलेपन में रहने लगा था। इसके बाद मैंने पहाड़ों में घूमना शुरू कर दिया। अब मेरे कई जान पहचान वाले पहाड़ों में खास जगह पर जाया करते। वो बताया करते, ये पहाड़ी इतनी अच्छी है, हम खाली वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, हाइकिंग के लिए गए थे। मैं भी उनके साथ जाना तो चाहता था, लेकिन मेरा चरित्र मुझे कहता अब अकेलेपन की आदत डाली है तो अकेले ही रहना है। अब मैंने भी शुरू कर दिया पहाड़ों में घूमना, शिमला, मनाली। मैं तो कश्मीर में भी घूमना पसंद किया करता था, लेकिन ऐसे जगहों पर जहाँ कोई आता जाता ना हो। फिर एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने एक मशहूर इंसान का। उसने कहा था कि उसने एक ऐसी जगह ढूंढी थी जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। फिर धीरे से उसने वहाँ पर झोंपड़ा सा बनाया। वो छुट्टियों में वहाँ जाया करता, जंगल के बीच रहा करता, कुदरत का एहसास पाया करता, और वहाँ वो 40 सालों तक जाता रहा। वहाँ कोई इंसान उसे नहीं मिलता। 40 सालों बाद उसके पीछे पीछे वहाँ लोग आने लगे थे, लेकिन 40 साल तक तो उसे अकेलेपन का एहसास मिला था। मैंने सोचा मैं भी कोई ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ कोई आता जाता ना हो। हिमाचल में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं है, वहाँ जाने का कोई अच्छा रास्ता नहीं है। मैं भी ऐसी कोई सुंदर सी पहाड़ी ढूंढूंगा, हर बार छुट्टियों में वहाँ जाया करूँगा, छोटी सी झोंपड़ी बना लूँगा। मैं कब्ज़ा नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही छोटी सी झोंपड़ी वहाँ रुकने के लिए हम बना सकते हैं ना। मैंने शुरू कर दिया ढूंढना। अब कुछ जगह बहुत ज़्यादा मशहूर थी, आसपास की पहाड़ियों पर कोई ना कोई घर तो बना हुआ था। लेकिन जब आप घने इलाकों में जाना शुरू कर दें, वहाँ पर आपको ऐसी पहाड़ियाँ मिलेंगी जिसके ऊपर जाने का रास्ता तक नहीं होता। अब एक ऐसी ही पहाड़ी मैंने देख ली। वो गांव से पहाड़ी साफ साफ दिख रही थी, और गांव वालों से पूछा क्या वहाँ पर कोई रहता है। उन्होंने कहा पागल हो तुम, वहाँ कौन रहेगा, देखो तो सही, वहाँ जाने का अच्छा रास्ता भी नहीं है। इस चीज़ ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी भर दी। अगले दिन मैं वहाँ निकल पड़ा उस पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए। बड़ा सा बैग मैंने पीठ पर रखा हुआ था। अब मैं रास्ता बनाए जा रहा था। छोटे छोटे लाल झंडे थे जो मैं लगा रहा था, पेड़ों पर निशान बना रहा था, नंबर लिख रहा था उन पेड़ों पर, ताकि जाने और आने में आसानी हो। नीचे से मैं घास को भी एक तरफ कर रहा था। एक दो बार चलूंगा पगडंडी सी बन जाएगी, उसके बाद हर बार वहां जाने का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाया करेगा। मैं छोटी सी आरी भी लेकर आया था, उसे दोनों हाथों में पकड़ा हुआ। मैं छोटी छोटी झाड़ियों को, घास को काटता काटता रास्ता बनाता बनाता पहाड़ी के ऊपर की तरफ पड़ने लगा। मुझे लगा था उस पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पहाड़ी पर चढ़ना आसान था। जब मैं शिखर पर 2 घंटे बाद पहुंच गया, तब मुझे लगा बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं बस उस पहाड़ी पर बैठा आसमान की तरफ देखे जा रहा था। एक तरफ लगा दिया था मैंने टेंट, मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा। लेकिन तभी मैंने आसपास से आवाज़ें सुनना शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कोई आसपास चल रहा है। एक पल के लिए मन घबराया था, कोई जानवर तो ऊपर नहीं आ गया, कहीं कोई जानवर मुझ पर हमला ना कर दे। अगर मैं टेंट के अंदर रहूंगा, कोई जानवर अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन बाहर रहने में खतरा है। पर पहाड़ी पर ऐसा कौन सा जानवर चढ़ सकता है, बंदर, यह बंदर जरूर होंगे। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, मैं खाने पीने का बहुत सारा सामान लेकर आया था, और मुझे जानवरों को, पंछियों को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करता था। अगर जानवर अपनी नज़रें झुकाकर मेरे करीब आ जाए ना, मैं उसे जो मर्जी देना चाहूँ दे सकता था। खाने की चीज़ चाहे जितनी महंगी हो, मैं उसे खिला सकता हूँ। पता नहीं क्यों इंसानों पर भरोसा ही नहीं होता। अब मैंने आसपास झांकना शुरू कर दिया, कौन सा जानवर है, बंदर ही होगा ना। आवाज़ें तो पेड़ों से आ रही थी, मुझे डरा भी रही थी। मैं खुद को संभाले जा रहा था, कोई खतरनाक जानवर नहीं हो सकता। दिमाग में वो कहानियों की बातें भी आ रही थी, चुड़ैले डाइने ऐसे घने जंगलों में रहती हैं, खास तौर पर पेड़ों के ऊपर।
मैं उस पर यकीन ही नहीं करना चाहता था। भूत प्रेत होते ही नहीं तो मैं यकीन क्यों करूं? जानवर ही होगा, कोई ना कोई बंदर होगा। मैंने बैग से केले निकाले और एक तरफ एक पत्थर को बड़े अच्छे से साफ किया। ये वो पत्थर था जो थोड़ी सी धूप पड़ने पर चमकने लगता था। उसके ऊपर साफ सुथरे वो केले रख दिए। अब एक छोटे से बकेट के बीच मैंने पानी भर दिया ताकि वो पी भी पाए। यहाँ भले ही पानी पीने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होती, बहुत सारे झरने हैं, फिर भी साफ पानी दूंगा, मेरे लिए ये अच्छा होगा, दिल को खुशी मिलेगी। ये करके मैं एक तरफ टेंट लगाने लगा। आवाज़ें अब भी बहुत सारी आई जा रही थी। मैंने जब टेंट को लगाया फिर मैं देखने लगा कौन सा जानवर है जिसकी भूख नहीं मिट रही, वो केले खाने के लिए आया क्यों नहीं। मैं जब उस पत्थर की तरफ देख रहा था, पत्थर पर वो केले मौजूद नहीं थी, वो बकेट मौजूद नहीं थी। आखिर वो जानवर केले खा गया और बकेट उठाकर भी ले गया। बंदर ही होंगे, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। अब भूत प्रेत केले थोड़े ना खाएंगे, वो तो इंसानों का खून चूसते हैं ना। ये बात सोचकर मैं बहुत ज़्यादा हंसा था। उसके बाद मैं टेंट के अंदर घुस गया। अब टेंट के अंदर मैं घुसा हुआ और कई परछाइयाँ पड़ रही। मैंने बाहर आग जलाई हुई थी। अब आग इसलिए जलाई थी क्योंकि जंगल में अगर आप आग जलाते हैं तो जानवर नज़दीक नहीं आते। आग जलाकर अंदर छिपने में आसानी हो जाती है, लेकिन उस आग के कारण वहाँ कुछ परछाइयाँ उस टेंट के ऊपर बन रही थी। कभी कभी लग रहा ये कोई इंसान है, बाजुएं बन रही हैं, फिर कोई जानवर दिखने लगता, जैसे वो चीज़ आकार बदल सकती थी। कुछ समय के लिए मैं डर भी रहा, फिर दिमाग में ख्याल आ रहा आग है, लपटें बन रही होंगी, पास में कोई लकड़ी पड़ी होगी, अब लपटें हिल रही हैं तो परछाइयाँ बन रही हैं, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे रात के समय टेंट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर मैंने देखा मेरा टेंट ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, ऐसा लग रहा था बाहर हवा चल रही हो। मैं फिर भी टेंट से बाहर नहीं निकला। उसके बाद ऐसा लगा जैसे टेंट के बाहर किसी के हंसने की आवाज़ हो। वो हंसने की आवाज़ किसी लड़की की लग रही थी। एक पल के लिए अंदर सिहरन पैदा होनी शुरू हो गई। मैं इसलिए नहीं डर रहा था कि ये कोई भूत प्रेत होगी, मैं इसलिए डर रहा था मेरे सिवा भी इस पहाड़ी को किसी और ने तो नहीं ढूंढ लिया। अब मैं तो यहाँ अकेलेपन का एहसास करने के लिए आया हूँ, अब कोई और तो हाइकिंग करते हुए ऊपर नहीं पहुँच गए। जल्दी से मैं टेंट से बाहर निकला, हाथ में मेरे एक डंडा था। डंडा लेकर इधर उधर घूमने लगा, कोई लड़की नज़र नहीं आई। हंसने की आवाज़ कभी इधर से कभी उधर से। डंडा लेकर मैं उस तरफ भागता, एक मिनट में वो आवाज़ दूसरी तरफ से आने लगती। फिर मैं दिमाग में सोचने लगा, लकड़बग्घे भी तो ऐसी आवाज़ें ही निकालते हैं, बिल्कुल लड़कियों जैसी, अब ये लकड़बग्घा होगा। तो मैं वापस टेंट के अंदर आ गया। उसके बाद वो हंसने की आवाज़ें आती रहीं, मैं भी अंदर से हंसने की आवाज़ें निकालता रहा। मुकाबला चला था एक घंटे तक हंसने का, बाहर से हंसने की आवाज़, अंदर से हंसने की आवाज़। एक घंटे बाद ये कॉम्पिटिशन भी ख़त्म हुआ। मैं हंसता रहा और उधर से कोई हंसने की आवाज़ नहीं आई। अब बिल्कुल शांति थी, ना हवा चल रही थी, ना परछाइयाँ बन रही थी, ना कोई हंस रहा था। मैं इंतज़ार करता रहा कोई कुदरत की और आवाज़ आएगी, कोई आवाज़ नहीं आई। कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं उठा, मैं देखने लगा इधर उधर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। पहाड़ियों पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और मोटे कपड़े मैं लेकर नहीं आया था। मैंने सोचा था दो दिन यहाँ पर रुकूंगा, रात निकालनी मुश्किल हो गई थी, सुबह सुबह ठंड इतनी ज़्यादा। मैं फिर से टेंट के अंदर घुस गया, अब अंदर गर्मी थी। एक घंटे में अंदर बैठा रहा, कुछ सामान खाया, फिर मैंने सोचा निकलता हूँ यहाँ से। अब ये जगह तो मैंने पसंद कर ली है, घास की कटाई कर ली है, आसपास कुछ डंडे से लगा लिए हैं, ये जगह हो गई मेरी, यहाँ घूमने के लिए हर बार मैं आया करूँगा। मुझे काफ़ी मज़ा आया, वो हंसने का कॉम्पिटिशन वो भी काफ़ी अच्छा था। मैंने सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। एक बड़ा बैग जो मैं लेकर आया था टेंट भी समेट कर मैं उसमें डालने ही वाला था, फिर मेरे दिमाग में आया मैं उस टेंट को छोड़कर ही चला जाता हूँ, साथ लेकर क्यों जाऊँगा, अब यहाँ कौन सा कोई आता है। फिर उस बैग को मैंने एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर लटका दिया। अब पत्तियों से इस तरह से छिपा दिया ताकि कोई देख भी ना पाए यहाँ कोई कौन सा आता है। ये सोचकर छोटे छोटे बैग लेकर मैं वापस उसी गांव की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं गांव में पहुँचा तो वो मुझसे पूछ रहे थे, आप रात को कहाँ गए थे। मैंने वैसे ही कह दिया, मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैं रात को जंगलों में घूमना पसंद करता हूँ। मैं आगे घूमता रहा फिर वापस आ गया।
मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था कि वो पहाड़ी मुझे पसंद आई है, और उन्होंने भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। बस यही कहा, पहाड़ों में इस तरह जंगलों में घूमना खतरनाक हो सकता है। रात को अगर कोई खाई ना दिखे, आप उसमें गिर जाएं, फिर ना तो आप वापस आएंगे, ना आपका शरीर वापस आएगा। मैंने भी मजाक में कह दिया, हाँ वो तो मुझे पता है। फिर मैं निकल पड़ा वापस मोहाली की तरफ। मोहाली में पहुंचकर फिर से मैं अपने काम पर लग गया था। जितने भी एम्प्लॉयज़ मैंने रखे हुए थे उनको मैं बता रहा था मुझे कितना मज़ा आया। मैं पहाड़ी की बात बता रहा। अब जितने मेरे दोस्त थे ना, मैं उन पर यकीन ही नहीं करता था। हर कोई मुझे ठगना चाहता था, लेकिन जो एम्प्लॉय थे वो मैंने चुन चुनकर अच्छे लोग ही रखे थे। कुछ लड़कियां भी थी जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी थी, लेकिन मैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखता था। अब मैंने पहाड़ी की बात बताई, वो तो जैसे सब मेरे पीछे लग गए, कौन सी पहाड़ी, कितनी अच्छी है। मैंने कहा मैं अकेले वहाँ जाना पसंद करूँगा। वो ज़िद करने लगे। वो ऐसे भाई बहनों की तरह ज़िद कर रहे थे कि मना किया जा ही नहीं सकता था। हर कोई यहाँ काम करता था और मुझे इज्जत देता था, प्यार से बात करता था, उन्हें मना कैसे कर सकता था। उन्होंने कह दिया इस शनिवार और इतवार छुट्टी होगी, हम सब वहाँ जाएंगे। मना कैसे करता। 3 गाड़ियाँ उठाई हमने, निकल पड़े हम उस तरफ। जैसे ही उस गांव में पहुँचे, मैंने कहा अब आगे चढ़ना होगा, आप सब हाथ में तेज धार हथियार रखना, वो पगडंडी अब अच्छे से बनानी है। सब लोग आए हैं, मेहनत तो करवाऊँगा ही। सबके थोड़े से नाक चिढ़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ काफ़ी मज़ा आने वाला था। बड़े बड़े टेंट साथ में लेकर हम 2 दिन वहाँ पर बिताना चाहते थे। जैसे ही हम वहाँ आगे बढ़ने लगे, जो घास पहले से काटी हुई थी, जो पेड़ों को जो पौधों को मैंने एक तरफ किया था, रास्ता साफ दिख रहा था। उस रास्ते से हम चढ़ते गए, चढ़ते रहे। वहाँ कई जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, उल्लुओं की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे हमारा स्वागत किया जा रहा हो। चढ़ते चढ़ते हम पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गए। वक्त शाम के 5 बजे का हो गया था। सूरज अभी डूबा नहीं था, और पहाड़ों पर तो वैसे भी सूरज काफ़ी देर से डूबता है, पहाड़ियाँ ऊंची जो होती हैं। जब हम ऊपर पहुंच गए, मैंने उन्हें दिखाना शुरू कर दिया, देखो वो पत्थर, देखो ये जगह, यहाँ मैंने टेंट लगाया था, कितनी अच्छी जगह है, ऊपर पेड़ भी नहीं है। उन्होंने भी ये चीज़ देखी और उन्हें भी ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं पेड़ पर चढ़ा, अपना टेंट उतारा, उसके बाद यहाँ पर मैं टेंट लगाने लगा। अब 4 टेंट उन्होंने भी लगाए हुए थे। वो यहाँ बैठे बातें कर रहे, कुछ जोड़ियाँ एक तरफ रोमांस कर रही, वो जैसे एक दूसरे की गोदी पर बैठे बातें किए जा रही। कई तरफ आग जलाई हुई। मैं फिर से अकेलेपन का एहसास कर रहा था। ऐसा लग रहा था उन्हें यहाँ पर लेकर तो आ गया, भीड़ बना दी उन्होंने, अब वो और लोगों को बताएंगे, उसके बाद ये पहाड़ी भरती जाएगी और फिर से मुझे कोई नई जगह ढूंढनी होगी जहाँ कोई आता जाता ना हो। जब सूरज डूबने लगा था, वहाँ पेड़ों से आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर है जो पेड़ों पर इधर उधर छलांगे लगाए जा रहा है। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, कुदरत में मुझे अच्छा लगता है। बाकी डर रहे थे, कुछ भूत प्रेत कहे जा रहे और कुछ कह रहे पहाड़ों पर शक्तियां होती हैं, अब वो पागलों जैसी बातें कर रहे। मैं एक पत्थर पर बैठा बहुत ज़्यादा हंसे जा रहा, उनके चेहरे देखने लायक थे। हर कोई डरा हुआ मुझे कह रहा चलो नीचे चलते हैं, मैं उन पर हंसे जा रहा। वो धीरे धीरे पेड़ों को देख रहे, और पेड़ों पर सच में जो जानवर था नज़र नहीं आ रहा। मैंने अब एक पत्थर पर फिर से केले रख दिए, एक छोटा सा बोल जिसमें मैंने पानी भर दिया। अब मैं इंतज़ार करने लगा कोई बंदर आएगा, केले उठाकर लेकर जाएगा, पानी पीकर जाएगा, अब तो सामने से दिखेगा ना। लेकिन सब इधर उधर झांक रहे, पेड़ बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, पहले कभी इतने ज़्यादा पेड़ नहीं हिले थे। बंदर डराने के लिए शायद पेड़ों को हिलाते हों, लेकिन बंदर नज़र तो आए, एक आवाज़ तो आए बंदर की। सब लोग डरे हुए, वो कह रहे यहाँ तो भूत प्रेत लगते हैं। मैंने कहा भूत प्रेत नहीं है, बंदर हैं, वो देखो मैंने केले रखे हैं, वो केले खा कर जाएंगे। एक लड़की ने कहा केले, कौन से केले। मैंने नज़र घुमाई, ना वहाँ पर केले रखे थे, ना वहाँ पर पानी का पोल, वो गायब हो चुका था, नीचे पानी की एक बूंद तक ना गिरी थी। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे, बंदर कब आया, केले उठाकर कब गया, मैं तो देख ही नहीं पाया। मैं इधर उधर झांकता रहा, कुछ पता तो चले, पानी की 2-4 बूंदें नीचे गिरी हूँ, उससे पता चले किस तरफ से आया था, कहाँ गया, देखा ही नहीं।
पेड़ हिल रहे सब डरे हुए। उसके बाद सब घुस गए टेंट में। अब हमने टेंट भी कॉलोनी की तरह बनाया था, यानी टेंट के जो दरवाजे थे वो एक दूसरे की तरफ रखे हुए थे ताकि एक जगह से ही सब निकले। सब टेंट में घुस गए, थोड़ा थोड़ा टेंट खोला हुआ ताकि एक दूसरे की तरफ देखा जा सके। हर कोई अपना मुंह हिलाकर, कुछ दिखा बाहर कौन है, आवाज़ें कौन कर रहा है। अब अंधेरा हो चुका था, हर कोई टेंट में घुसा हुआ, बाहर जलाई हुई आग। अब पहले तो आग की परछाइयाँ साधारण बन रही थी, जैसे लकड़ी टिकी हुई हो लेकिन वो लपटें हिल रही हो, तो परछाइयाँ बनती हैं, साधारण बन रही। उसके बाद बननी शुरू हो गई इंसानी परछाइयाँ, जानवरों की परछाइयाँ। हर कोई अंदर से चीख रहा भूत भूत, और ये आवाज़ें सुनकर मैं टेंट के अंदर आराम से लेटा हुआ चॉकलेट खा रहा। मज़ा आ गया, अगर ये भाग जाएं तो मज़ा ही आ जाएगा, यह जगह फिर से मेरी हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ये भूत हैं या ये ज़्यादा डरपोक हैं? मुझे क्या, ये रात तो पहले भी मैं निकाल चुका हूँ। वहाँ वो परछाइयाँ डरावनी डरावनी बन रही और अंदर से लड़कियों की चीखें निकल रही। लड़कियाँ सबसे ज़्यादा डर रही थी। कभी वो लड़कियाँ एक टेंट में घुस जाती, कभी दूसरे टेंट में, कहती यहाँ भूत है वहाँ भूत है। जब आनी शुरू हुई लड़की के हंसने की आवाज़, तो सन्नाटा छा गया था। इधर से मैं भी हंस दिया। अब मेरी हंसी की आवाज़ सुनी थी, वो सब टेंट से बाहर निकले और कहने लगे यहाँ नहीं रुकेंगे, भागो भागो, भूत आ गए हैं टेंट के अंदर। मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था कि इस तरफ से मैं हंस रहा हूँ, और वो सोच रहे थे कि कोई चुड़ैल है जो उस तरफ से हंस रही है और बाद में टेंट के अंदर से कोई शैतान हंस रहा है। ये बात सुनकर अंदर ही अंदर मैं मुस्कुराई जा रहा। उन्होंने टेंट समेटना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी वो टेंट बैग में डाला और कहने लगे हम तो चले यहाँ से। मैंने कहा मैं तो रुकना चाहता हूँ, मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है, कल अगर मैं जिंदा रहा तो मिलने आऊँगा, तुम चले जाओ गाँव में। वो सब वहाँ टेंट उठाकर भाग गए गाँव की ओर। और जब वो नीचे उतर रहे थे ना पहाड़ी के, चीखों की आवाज़ें, ऐसा लग रहा था कोई चीज़ उन्हें डरा रही हो या वो ही एक दूसरे को डरा रहे हो। मुझे क्या, मैं तो टेंट के बाहर आसमान को देख रहा, वाह क्या किस्मत है, जैसे फतेह की हुई चीज़ जो लोगों ने छीन ली थी मुझे वापस मिल गई हो। चीखते चीखते वो आगे निकल गए और मैं यहाँ पर अकेला। अब मैं सोच रहा था ये कौन सा जानवर है जो सबको डरा देता है, छुप छुप कर आसपास घूमता ही रहता है। फिर मैं आग के पास बैठ गया। अब आग में मैं पनीर भूनकर खाना चाहता था, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने आग में वो पनीर को सीख में घुसाकर टिका दिया, ये सीख टिक्का बन गया था। अब धीरे धीरे वो पनीर गर्म हो रहा, मुझे लगा एक मसाला इस पर लगाना था, वो मसाला ज़रूर लगाऊंगा मैं। जल्दी से मैं टेंट के अंदर गया मसाला लेने के लिए, 10 सेकंड के अंदर मैं बाहर आ गया। मैंने दो सीखें टिकाई थी टिक्कों की, दोनों सीखें गायब, पनीर भी गायब। अब ना तो वो सीखें मिल रही ना पनीर मिल रहा, और मैं ये सोच रहा ये कैसे हो सकता है। आग से हर जानवर डरता है, आग से हर पंछी डरता है, आग में हाथ डालने की हिम्मत जानवरों में नहीं होती, आग से जलन होती है हर किसी को पता होता है। ये कौन सा जानवर है जो इस तरह पनीर आग के बीच से निकाल कर ले गया, मैं भी उस सीख को अगर पकड़ता तो मेरा हाथ जलता। ये क्या चीज़ है, क्या सच में यहाँ पर कोई भूत प्रेत मौजूद तो नहीं। अब मैं उठकर खड़ा हो गया था सोचने को मजबूर। फिर मैं अंदर बैग से कुछ फल निकाल कर लेकर आया, उसे रख दिया मैंने सामने उस पत्थर पर। अब कुर्सी टिका कर बैठ गया मैं, नजरें मेरी उस पत्थर पर। जो भी जानवर है उसे उठाकर लेकर जरूर जाएगा, ये जानवर खाना उठाकर लेकर जाता है। अब अपनी आंखों से देखूंगा ये है क्या। मैं नजरें गड़ाकर देखता रहा 15 मिनट, कोई भी जानवर नहीं आया उस चीज़ को उठाने के लिए। आखिर वो जानवर कैसे पहचान लेता है कब नजरें इधर उधर हैं, उसी समय उठाकर जाता है, जानवर इतने समझदार नहीं होते। फिर मैंने देखा मेरे शरीर के आसपास जैसे कोई हो, लेकिन मैं नज़रें उस पत्थर से हटाना ही नहीं चाहता था। मेरे कान के करीब से जैसे किसी ने सांस ली हो, और मुझे लगा जानवर मेरे करीब आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, हाथ में मेरे डंडा था, पीछे मुड़ा मैं, कुछ नहीं था वहाँ। जैसे ही नज़रें पत्थर पर, वो फल गायब थे। इतनी जल्दी फल कौन उठा कर ले गया, और मेरे कान के पीछे कौन था। अब मैं डरने लगा था,
मैं भूतों पर अभी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो है, ऐसा है जो जानवर से मेल नहीं खाता, इंसानों से मेल खाता है। इतनी समझदारी कि मेरा ध्यान भटकाया उसने और सामने से वो फल उठा लिए, कौन हो सकता है। फिर से सामने से हंसने की आवाज़ और अब मैं गुस्सा, साले लकड़बग्गे मेरा खाना उठा कर ले गया, मैं तो एक बार बस देखना चाहता था। ये कैसे लकड़बग्घे हैं, इतने समझदार हो सकते हैं, पीठ के पीछे आए थे तो हमला क्यों नहीं किया। सोच से परे था जो यहाँ हो रहा था। अब वो हंसने की आवाज़ें एक तरफ से आ रही और मैं इस तरफ से हंस रहा, वो उस तरफ से हंसने की आवाज़, मैं इस तरफ से हंस रहा, बस मुकाबला चले जा रहा। लगभग 15 से 20 मिनट बाद हंसने की वो आवाज़ें बंद और मैं इस तरफ से हंस कर कहने लगा, हंस हंस और हंस, क्या चीज़ है, कभी इधर से आवाज़ आती है, कभी उधर से आवाज़ आती है, कैसा लकड़बग्घा है ये, इंसानी लकड़बग्घा, कहीं ये भेड़िया मानव की तरह है, लकड़बग्घा मानव तो नहीं। अचानक एक पेड़ के पास जब मैं छिपकर पहुंचा, मेरी नज़र पड़ी जैसे एक लड़की बैठी हो पेड़ के ऊपर। ये देखते ही आंखें मली थी मैंने, लेकिन वो लड़की ही थी, उसके लंबे से बाल थे। जैसे ही मैंने उस तरफ टॉर्च मारी, वो जल्दी से पेड़ के पीछे हो गई। मैं अब पेड़ के दूसरी तरफ से जाकर देखना चाहता था। मैं घूमकर दूसरी तरफ गया, वो एक बिल्ली थी। बिल्ली पेड़ के पीछे लटकी हुई और रोशनी को देखकर पीछे छिप रही। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लड़की ही थी, परछाई नहीं थी, लड़की थी। अब ये तो बिल्ली आ गई, लड़की कहाँ गई। फिर मैं टॉर्च मार कर इधर उधर देखने लगा और अब मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है यहाँ, मुझे इतना पता है एक लड़की है, मैंने खुद देखी, लड़की है, सामने आ जा, सामने आ जा, मेरा सामान चुरा रही है, चोरनी कहीं की, सामने आ और बात कर मुझसे। मैं इधर उधर देखता रहा और तभी एक तरफ पेड़ के ऊपर वो बिल्ली बैठी थी ना, उसने ज़रा सी आवाज़ की जैसे गुर्राई मुझ पर। अब मुझे जानवरों से थोड़ा डर लगता है, कुछ जानवर काट सकते हैं, अब बिल्लियाँ भी अपने पंजे मारती हैं, काट भी सकती हैं। वो गुर्रा रही थी, मैं कदम पीछे हटाने लगा, छलांग लगाकर वो मैदान पर आ गई। ज़्यादा बड़ी बिल्ली नहीं थी, थी पूरी काले रंग की। अब रोशनी अगर उस पर ना पड़े ना, वो तो नज़र ही ना आए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी और चलती चलती वो करीब आई और करीब आते ही उसने अपना आकार बदला, वो एक लड़की बन गई थी, बिल्ली से लड़की, और मेरा दिमाग घूमने लगा था। ऐसा दृश्य जिंदगी में नहीं देखा था, बस कहानियां सुनी थी और आज समझ में आया कहानियां सच्ची थी। वो मेरे सामने खड़ी हो गई, मैं थोड़ा थोड़ा डर रहा था लेकिन रोमांचित ज्यादा हुआ था। मेरे सामने खड़ी हो गई और हाथ उठाकर कहने लगी, अब मैं तुम्हें मारूंगी, भाग सकते हो तो भागो। अब वो थी खूबसूरत, एक बात तो माननी पड़ेगी, कान उसने बड़े बड़े कर लिए थे, आंखें उसकी बिल्कुल बिल्ली जैसी, खूबसूरत सच में वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन हाथ उठाकर डरा ऐसे रही जैसे कोई भूतनी हो। भले ही बिल्ली से वो इंसान बनी थी, मैं एक कदम पीछे हटा और उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। मैं कहने लगा, अच्छा तो वो तुम और लकड़बग्घे की तरह हंसने वाली, मुझे लगा कोई लकड़बग्घा है, मैंने मुकाबला लकड़बग्घे से किया, यहाँ तो लकड़बग्घी बिल्ली निकली। फिर वो कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारा खून चूसूंगी, तुम्हें मारूंगी, तब तुम्हारे समझ में आएगा। मैंने कहा, खून चूसोगी, खून क्यों चूसोगी, तुम तो शाकाहारी हो ना, तभी मेरे केले उठा कर ले जा रही हो, कभी मेरे फल उठा कर ले जा रही हो। वो एक पल के लिए सन्न सी हो गई थी, फिर कुछ सोचने लगी और कहने लगी, वो मैंने नहीं किया, वो किसी और ने किया होगा, मैं तो मांस खाती हूँ, मैं तुम्हें मारूंगी, खा जाऊंगी, भाग सकते हो तो भागो। मैंने कहा, अच्छा अगर मार सकती थी तो पहले भी मार देती, एक रात पहले बिता कर गया, आज की रात भी बिता कर जाऊंगा, अब ये पहाड़ी मेरी है, मुझे यहाँ आना पसंद है। तुम मारती नहीं, तुम चोर हो, फल चोर लकड़बग्घी। वो अब गुस्से में आ गई और कहने लगी, चोर चोर कहना बंद करो, और ये लकड़बग्घी क्या है, मैं लकड़बग्घी नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़की हूँ मैं, रूप बदल सकती हूँ, चुड़ैल हूँ मैं, डायन हूँ। अब ये सुनकर मैं हैरान सा हो गया, मैंने ये तो सुना था कि डायने अपना रूप बदल सकती हैं, लेकिन ये जानबूझकर कभी खुद को चुड़ैल कह रही, कभी खुद को कुछ और कह रही, और मुझे गड़बड़ झाला लगने लगा। मैं उसको कहने लगा, नहीं
कॉस्ट्यूम पहनी थी तुमने। तुमने कॉस्ट्यूम पहनी तो छोटी बिल्ली बन गई, मैं यकीन नहीं करता, तुम चुड़ैल हो ही नहीं सकती। अब वो चिढ़ने लगी थी और कहने लगी थी, मार दूंगी भागो, मार दूंगी भागो। और मैं समझ गया, डरा कर भगाना चाहती है, नुकसान करना चाहती तो कब का कर चुकी होती। मैं वहीं पत्थर पर बैठ गया और केला छीलने लगा। मैं उसको कहने लगा, नहीं मैं नहीं भागूंगा, ये मेरी जगह, मैं यहाँ पर हर रोज़ आया करूँगा। फिर वो भी ज़मीन पर बैठ गई। अब तुम्हें कैसे भगाऊँ, अब मैं क्या करूँ, मेरी जगह पर आना बंद करो, यहाँ मत आना, मैं नुकसान पहुँचा दूँगी, मेरी जगह है। मैंने कहा, ये मेरी जगह है। वो मानने को तैयार नहीं, हम दोनों में झगड़ा होने लगा। अब ये झगड़ा ऐसे हो रहा था जैसे दो साधारण इंसान लड़ रहे हों। वो कोई चुड़ैल डायन जैसी हरकतें नहीं कर रही, बार बार बस गुस्से में कह रही, और जब वो गुस्सा करती मुँह लाल सा हो जाता, थोड़ा बड़ा हो जाता, मुझे डर ही नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद वो रोना शुरू कर गई। जब वो रो रही थी, मुझे तब काफ़ी शर्मिंदगी सी होने लगी। भले ही वो चुड़ैल थी, डायन थी, लेकिन जब रोती हुई लड़की देखो, आपको ज़रा सी दया आ जाती है। फिर मैं उसे कहने लगा, अच्छा अच्छा, रोना मत रोना मत, चले जाता हूँ चले जाता हूँ, देखो रोना मत। फिर वो खुद को संभाल कर वहीं पर बैठ गई और कहने लगी, कुछ खाने को है, जाने से पहले कुछ खाना ही दे जाओ। मैं टेंट के अंदर गया, खाने पीने का कुछ और सामान लेकर आया। वो इतनी तेज़ी से घटक रही थी, मैं देखता जा रहा था। थी वो पतली सी, सुंदर सी, लेकिन खाना इतना ज़्यादा खा रही, वो तो मोटी होनी चाहिए। फिर खाना खाकर वो बहुत ज़्यादा खुश और मेरे पास आकर बैठ गई। फिर कहने लगी, अब तुम कुछ समय रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, वैसे मैं भी यहाँ अकेली ही रहती हूँ, कुछ बातें कर सकती हूँ। मैंने हामी भरी और हम दोनों बातें करने लगे। अब उसने बताया कि वो एक डायन है, और मैंने पूछा, पहले तो तुमने कहा था चुड़ैल हो, तो उसने कहा, मैं डराने के लिए ये कोशिश करती हूँ, तुम डर ही नहीं रहे थे, अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना, तो मैं बता सकती हूँ, मैं एक डायन हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा, परी। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, अच्छा, अब डायनों के नाम भी परी होने लगे, यानी परी बनकर तुम लोगों को मारने की कोशिश करती होगी। तो वो गुस्से में आकर कहने लगी, परिनीति, पूरा शब्द बोलने दिया करो, मेरा नाम है परिनीति। अब ये सुनकर मैंने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया। फिर वो मेरे बारे में जानना चाहती थी। मैंने कहा, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई डायन नहीं हूँ, और मेरा नाम है परा। ये सुनकर वो हंसने लगी, अच्छा अच्छा, मजाक करते हो, परा, शक्ल तो तुम्हारे जानवरों जैसी है, नाम तुमने परा रखा है। मैंने कहा, नाम पूरा करने दो, पराभास पराभास, तुम नाम भी पूरा करने नहीं देती। हम दोनों एक दूसरे पर हंस रहे थे, और आज पहली बार मैं किसी लड़की से इतनी ज़्यादा बात कर रहा था। हमेशा मैं लड़कियों से बात किया करता तो मुझे उन पर भरोसा ही नहीं होता था। हमेशा मुझे लगता था कि वो मुझे इम्प्रेस करना चाहती हैं। पहले जब मैं गरीब था, कोई मुझे पूछता तक नहीं था, मेरे करीब आकर कोई लड़की मुझसे बात तक नहीं करती थी। जब मेरे पास पैसे आ गए, फिर वो मुझसे बात करने लगी, तो मुझे लगता हर कोई इम्प्रेस करने के लिए वो मेरे पैसों को देख कर मेरे करीब आई हैं। अब इससे वो हिचक जरा भी नहीं थी। ये तो एक डायन है जो यहाँ पेड़ों पर रहती है, इससे बात करने में हिचक थी ही नहीं, ये कौन सा मुझे इम्प्रेस करना चाहेगी। आज मैं खुलकर बात कर पा रहा था, और वो भी अपने बारे में बता रही। धीरे धीरे उसने जब बताना शुरू किया, वो कहाँ पढ़ा करती थी, मैं भी काफ़ी खुश कि तुम भी पढ़ा करती थी। उसने बताया, हाँ मैं इंसान ही थी, बाद में डायन बनी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ डायन किसने बनाया। डायन बनने के लिए जादुई शक्तियों को खुद के अंदर बसाना पड़ता है, अपनी आत्मा को एक जगह बंद करना पड़ता है। अब आत्मा को गिरवी रख दो, शक्तियाँ मिल जाती हैं, और मैं बस बुरी फंसी हूँ, मैं इस पहाड़ी पर कैद हो चुकी हूँ। अब ये सुनने के बाद मुझे लगा वो पहाड़ी से दूर जा नहीं सकती, खुलकर बात करने लगा। जिंदगी के वो राज जो मैं किसी के सामने खोला नहीं करता था, आज उसके सामने हर राज खोल बैठा था, यकीन सा हो गया था उस पर। वो भी ज़रा भी हिचक नहीं रही थी, हर बात बता रही थी। इस तरह बातों बातों में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। वो तो डायन थी, उसे नींद की ज़रूरत नहीं थी, मैं सुबह सुबह थक सा गया था। फिर मैंने कहा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, एक रात ही बिताने के लिए आया था, रविवार को खास मीटिंग थी मेरी, वो तो उन्हें साथ लेकर आया था। तो वो कहने लगी, तो तुम उन्हें भी ले आओ, उनसे भी मिल लेती हूँ। मैंने कहा, वो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें यहाँ नहीं ला सकता, किसी पर भरोसा नहीं है।
तुम मेरी दोस्त बनी हो तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। भगाओगी तो नहीं ना, वो हंसोगी तो नहीं, या नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? हंसते हंसते उसने कहा था, नहीं तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम जब मर्जी आना चाहो आ सकते हो। वहां से मैं निकला गांव की ओर। अब गांव में जितने भी मेरे एम्प्लॉय सभी बीमार, ये छुट्टी उनकी बीमारी में निकलने वाली थी। उन्होंने बताया जब वो नीचे आ रहे थे उन्हें एक बिल्ली दिख रही थी। वो बिल्ली कभी लड़की बन जाती, कभी बिल्ली बन जाती। चुड़ैल थी जो पेड़ों से छलांगे लगा रही थी। मेरी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही और वो कह रही थी कि आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो चुड़ैल आपको मार देगी। और जब आपके सामने आएगी ना, कहते हैं सामने आ जाती है आंखों में आंखें डालकर, बस मार देती है। मैं हंसता गया और कहता गया, मुझे तो नज़र आई नहीं, जब नज़र आ जाएगी तो देख लेंगे। ये कहकर उन्हें साथ लेकर फिर से मैं मोहाली पहुंच गया था। रविवार की मीटिंग मैंने ख़त्म कर दी। अब ऐसा लग रहा था जैसे अपने दोस्त से दूर हूँ। पूरी रात उससे बातें की थी। उसके बाद वो रविवार का दिन मन कर रहा वहाँ जाऊँ, लेकिन नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, मैं सो नहीं पाया था। मैं शाम को ही सो गया और अगली सुबह उठा। सोमवार का दिन था, लेकिन वीकेंड का इंतज़ार कौन करता। बुधवार की मैंने ले ली छुट्टी। मेरे एम्प्लॉयज़ मुझसे पूछे जा रहे थे, आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया नहीं। मैंने कहा मेरी सेहत थोड़ी ख़राब है, घूमने के लिए जा रहा हूँ। मैं पहुँच गया बुधवार की शाम सीधा उस पहाड़ी के ऊपर। मुझे देखते ही वो पत्थर पर आकर बैठ गई और कहने लगी, कुछ खाने को लेकर आए हो? मैंने भी बड़ा सा बैग खोला और वहाँ खाने का ढेर सारा सामान, वो जानवरों की तरह टूटी थी, अलग अलग तरह का सामान मैं उसके लिए लेकर आया। वो हर चीज़ खा रही लेकिन आज हर चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाई। मैं ढेर सारा सामान लेकर आया था। पहली बार तो कोई ऐसा दोस्त बना था जिससे दिल की बात कर सकता था, खुश हो सकता था मैं। उससे बात करते वक्त डर नहीं था कि वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। एक डायन जो कैद है एक पहाड़ी पर, आखिर मेरी मजबूरी का क्या फ़ायदा उठा लेगी? मैंने उसे अच्छा खाना खिलाया जो वो पूरा तक ना खा सकी। उसके बाद हम वहीं घास पर लेट गए और आसमान की तरफ देखकर बातें किए जा रहे। अब मैं और बातें बता रहा था, मैं काम कैसे करता हूँ। उसने भी पूछना शुरू कर दिया, तुम्हारी शादी नहीं हुई? मैंने कहा मैं क्या करूँ, किसी पर भरोसा ही नहीं होता। तुमने कभी शादी नहीं की? उसने कहा, शादी? जब मैं नौकरी कर रही थी उसके बाद सोचा तो था कि किसी ना किसी को दिल दूंगी, लेकिन मेरा जो मालिक था ना, उसने मेरा फ़ायदा उठाया। मैंने कहा, तो तुमने उस पर केस क्यों नहीं किया? उसने कहा, उस पर केस क्या करती, जिंदा होती तो केस करती ना, उसने मेरी आत्मा को ही कैद कर लिया और मुझे बना दिया डायन। अब मैं कैदी हूँ इस पहाड़ी की, यहाँ से दूर नहीं जा सकती। उसकी बातें सुनकर उस पर दया सी आ रही थी, लेकिन वो रो रो कर बातें बताती गई। मैं बस कंधा उसकी तरफ करके उसकी बातें सुनता गया। फिर मैंने अपने दुख बताने शुरू कर दिए कि मैं कब अनाथ हो गया था। अब उसकी उम्र भी जानी थी मैंने, उसकी उम्र 28 साल थी। पता नहीं क्यों वो बिल्कुल मेरे जैसी ही बातें करती थी। भले ही पिछले 5 सालों से वो डायन बनी हुई थी, लेकिन उससे बातें करते हुए मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। मैं अगली सुबह उससे बातें करता रहा, सो ही नहीं पाया। अब मैंने आदत ही बना ली थी, जब भी छुट्टी होती मैं पहुंच जाता उस पहाड़ी पर। मेरे एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में काम करते पूछा करते थे, सर पहले तो आप छुट्टी ही नहीं लेते थे, अब तो आप छुट्टियां ही बहुत लेते हैं। मैंने कहा मेरी सेहत काफ़ी ख़राब सी रहती है। कई लोगों ने कहा था, आप वो चुड़ैल के चक्कर में तो नहीं, वो चुड़ैल कहीं आपको फंसा तो नहीं चुकी, कहीं उसका साया आपके सर पर तो नहीं जो आप इतना ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं। वो मुझे एक बाबा के पास ले जाना चाहते थे, मैं जाना नहीं चाहता था। मजाक मजाक में वो मजार के एक बाबा के पास मुझे ले गए। अब बाबा ने मेरे ऊपर झाड़ फूंक की। उसके बाद बाबा कहने लगे, जिसका भी साया है उतर चुका है तेरे सर से, ये तावीज़ बांध ले अपनी बाजू पर, कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं हंस रहा था उस बाबा के ऊपर, मैं हंस रहा था अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने बाजू पर वो तावीज़ बांधे रखा। मैं शनिवार को ही पहुंच गया उस पहाड़ी पर। वो डायन मेरा इंतज़ार पहले ही वहां कर रही। जैसे ही मैंने खाना उसके सामने रखा वो घबरा सी गई। उसका चेहरा उतरने लगा था और वो कहने लगी थी, मेरे करीब मत आओ, तुमने अपनी बाजू पर क्या पहना है? मैंने कहा, तावीज़, ये किसी बाबा का तावीज़ है। उसने कहा,
ये मुझे नुकसान पहुंचाता है। इससे मेरी शक्ति क्षीण होने लगती है। मैं शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाती। अगर तुम इसे पहने रहोगे तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। तुमसे दूरी बनानी पड़ेगी। मैं खुद भी दर्द सहना नहीं चाहती। मैं उस पर भरोसा करता था और उसने कहा तावीज़ उतारनी होगी। मैंने तावीज़ उतार दी और वहीं नीचे फेंक दी। उस बाबा ने कहा था तावीज़ मत उतारना वरना वो चुड़ैल नुकसान करेगी। मैंने उस पर भरोसा करके वो तावीज़ को नीचे फेंका था और वो हंसती हुई मेरे करीब आई, मुझे गले से लगाया और मुझे कहा तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो। उस बाबा ने कहा तो है जो चुड़ैल डायन है तावीज़ उतरते ही नुकसान पहुंचाएगी। अब मेरे नाखून तुम्हारी गर्दन पर। मैं एक पल के लिए घबरा सा गया। वो बाबा की बातें दिमाग में घूमने लगी और तभी वो सामने से हंसने लगी। पागल हो, तुम्हें लगा तुम तावीज़ उतारोगे मैं तुम्हें मार दूंगी? चलो आओ वहाँ बैठ कर कुछ खाते हैं। आज क्या लेकर आए हो ये तो बताओ। मैं एक पल के लिए बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद उसका ये मजाक भी बहुत अजीब सा लगा मुझे। खाने का सामान रखा और वो टूट पड़ी। फिर से वो खाना खा रही थी। उसके बाद फिर से हम बातें करने लगे। आज बहुत समय हो गया था। उससे हर बार बातें करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता था। लेकिन फिर वो कहने लगी थी तुम अपना बिजनेस नए शहरों में बढ़ा रहे हो ना, तुम मुंबई भी जाने वाले हो? मैंने कहा हाँ, वहाँ भी एक नई ब्रांच खोलनी है, उस पर भी बहुत ज़्यादा काम करना है। अब वहाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। फिर वो कहने लगी थी वो तो ठीक है, फिर तुम वहाँ रहोगे तो यहाँ नहीं आ पाओगे ना? मैंने कहा हाँ हाँ, ये तो है, वहाँ रहना पड़ेगा, फिर यहाँ नहीं आ पाऊँगा। और मुंबई शहर बहुत बड़ा है, वहाँ मेरा बिजनेस चल गया ना फिर वापस बाकी शहरों में ध्यान नहीं दूंगा, वहाँ घर खरीद लूँगा। अब ये बात सुनकर एक पल के लिए वो जैसे हक्की बक्की सी रह गई थी, बस आसमान को ताके जा रही, कुछ बोल नहीं रही थी। मेरे कुछ सवालों का जवाब भी उसने अटपटे तरीके से दिया था। मैं समझ ही नहीं पाया आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर मैं और सवाल पूछता गया, वो थोड़ा गुस्सा हो गई थी। जब मैं समझ गया उसका गुस्सा क्यों है, मैं उससे पूछने लगा तुम नहीं चाहती मैं मुंबई चला जाऊं? वो कह रही थी अगर तुम्हें रोकना भी चाहूं क्या तुम रुकोगे मेरे लिए? मैंने कहा हाँ, अगर तुम रोकोगी तो मैं रुकूंगा क्यों नहीं। वो पहली बार था जब उसने इजहार किया था कि वो मुझे पसंद करती है और मैं भी दिल से इजहार कर पाया था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जिसे आप पसंद करते हैं ना, इजहार खुद ब खुद हो जाता है, भले ही लफ्ज़ों का इस्तेमाल ना हो। हम दोनों काफ़ी खुश एक दूसरे से पहली बार प्यार भरी बातें कर रहे थे। फिर मैं लगभग 2-3 दिन बाद उस पहाड़ी पर जाने ही लगा था। वो दिल की बातें बताती जाती। अब एक दिन मैं उसको कह बैठा था क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? तुमसे मैं बातें करना तो चाहता हूँ लेकिन बहुत दूर आना पड़ता है और मैं चाहता भी हूँ कि मैं मुंबई में वो काम खोल पाऊँ। क्या तुम इस पहाड़ी को छोड़कर मेरे साथ नहीं आ सकती? क्या मैं तुम्हें यहाँ से ले जा नहीं सकता, हमेशा के लिए अपना बना नहीं सकता? तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि मुझ पर भरोसा मत करो, इसीलिए क्या हमारा ये रिश्ता बस इस पहाड़ी तक सीमित रह सकता है? मैंने कहा रह तो सकता है लेकिन क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख सकता हूँ? वो रो रही थी, वो बता नहीं रही थी और मैं भी जिद करने लगा कि मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा, अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं आऊँगा नहीं। आखिरकार उसे बताना ही पड़ा, वो एक पिशाच है जिसके पास उसने गिरवी रखी है अपनी आत्मा और वो यहाँ डायन बनकर अगले 50 सालों तक भटकती ही रहेगी। ये उसका एक खास काम है, वो एक बिजनेसमैन है जो पिशाच है लेकिन इंसान बनकर रहता है, काम चलाता है लेकिन वो फायदा उठाता है लोगों का और उनकी शक्ति चूस लेता है। उसने इसी तरह परिणीति को फंसाया था। अब उसने कहा अगर वो मेरी आत्मा को आज़ाद करे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, फिर मैं साधारण लड़की बन जाऊंगी और साधारण लड़की तो किसी से भी शादी कर सकती है ना, तुम्हारे साथ जहाँ रहना चाहती है वहाँ जा सकती है ना। अब ये बात ने मेरी आंखों के अंदर जैसे चमक ला दी थी और मैंने कहा मैं तुम्हारी आत्मा आज़ाद करूँगा। उसने कलाई पकड़ कर कहा था इसे आसान मत समझना, तुम मेरी आत्मा आज़ाद करवाने के लिए जाओगे और अपनी आत्मा को भी कैद मत करवा लेना या
तुम्हें मारने की कोशिश भी कर सकता है वो, इस बात का ध्यान रखना। उस दिन पहली बार उसे गले से भी लगाया था, वो काफी ज्यादा रो रही थी। उसने कहा था वादा करो वापस जरूर आओगे। मैंने कहा जरूर आऊंगा। मुझे जाता हुआ देख जैसे उसका चेहरा उतरा हुआ था, बार बार मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी कि वहां मत जाना, लेकिन अब तरीका पता चल गया था, आजाद तो उसे करवाना ही था। मैं पहुंच गया दिल्ली में। दिल्ली का एक बिजनेसमैन, उसे ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन नहीं कहा जा सकता था, छोटे मोटे काम करता था, होटल्स चलाता था। अब मैं सीधा उसके ऑफिस में पहुंचा बिजनेस डील लेकर, क्योंकि उससे बात तो किसी बहाने से करनी थी ना। अब मैं बिजनेस डील उसे बताने लगा कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं भी होटल खोलना चाहता हूँ और आपकी ब्रांच के साथ जुड़कर ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आपस में बातें करते रहे और उसके बाद मैंने उससे कहा अगर एक छोटी सी डील और करूँ आप बुरा तो नहीं मानेंगे। उसने कहा नहीं नहीं बुरा क्यों मानूंगा, अगर और डील करना चाहते हैं तो और करेंगे। मैंने कहा अगर किसी लड़की को आज़ाद करना हो, यानी कि आपका कोई एम्प्लॉई हो वो मुझे चाहिए, क्या आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपकी कीमत क्या होगी। तो वो मुस्करा कर कहने लगा मेरा एम्प्लॉय तुम्हें चाहिए। कौन सा एम्प्लॉय है जो इतना अच्छा लगा है, एम्प्लॉय लड़का है या लड़की है। मैं मुस्करा कर कहने लगा अब लड़की है लेकिन थोड़ा मुश्किल सौदा होगा। ये सुनकर उसके थोड़े से चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। क्या कहना चाहते हो ज़रा खुलकर बताओ। मैंने कहा आप यहाँ छिप कर रहते हैं, आप जो हैं मैं वो भी जानता हूँ, आप करते क्या हैं मैं वो भी जानता हूँ। सौदा करना है एक लड़की का, उसका नाम परिणीति है। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उतर गया था, वो इधर उधर देखने लगा था क्योंकि उसके एम्प्लॉय भी आसपास ही थे। वो उन्हें देखकर कहने लगा थोड़ा खास बात करनी है, तुम सब बाहर जाओ, हम थोड़ा प्राइवेट डील करना चाहते हैं। जैसे ही वो बाहर गए उसने वो कैमरे की तार उतार दी और उसके बाद जो उसका शरीर बदला, उसका शरीर पूरी तरह से सफ़ेद और आंखें बड़ी बड़ी चमकीले बिल्ली जैसी हो गई थी, उसके बड़े बड़े कान और पीछे से छोटे छोटे पंख दिखने लगे थे। और वहाँ बैठकर वो कहने लगा तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं समझ गया था तुम्हारे हाव भाव से, तुम जानते हो मैं एक पिशाच हूँ, राज को राज बनाकर रखना, वरना राज राज मुझे बनाकर रखना आता है, इंसान को मार कर। और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो मेरे लिए काम करती है, मैं उसे कभी आज़ाद नहीं करता जो मेरे लिए काम करता है। आज़ादी पानी है तो तुम्हें भी मेरे लिए काम करना होगा, एक नौकर लोगे तो एक नौकर देना पड़ेगा। मैंने उसको हामी भर दी ठीक है मैं अपना एक एम्प्लॉई तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम उसे कैद कर लेना, बदले में तुम्हें परिणीति को छोड़ना होगा, क्या सौदा पक्का है। तब वो थोड़ा सर को खुजाने लगा और कहने लगा सौदे में बदलाव, सौदे में बदलाव, एक आदमी लेकर एक आदमी छोड़ूंगा, मुझे क्या फ़ायदा, दो आदमी भेजो, बदले में परिणीति को छोड़ूंगा, आज़ाद होगी वो। अब मैं भी सोचने लगा था ये चालाक लगता है, ये फंसाने की कोशिश कर रहा है, मैं अमीर हूँ इसीलिए दो लोग मांगे हैं, अब दो लोग किन्हें भेजूंगा। मैं सोचता रहा लेकिन मैंने हाथ मिलाया और कहा कल, मुझे ये बताओ मिलना कहाँ है। उसने एक बड़े होटल का नाम बताया जो कि गोवा में बना हुआ था, वहाँ वो जंगल के बीच में बना हुआ खास होटल, वहाँ बुलाया था। मैं अब सोच रहा था करूँ तो करूँ क्या, उसके ऑफिस से मैं बाहर आ गया। फिर मैं सोचता रहा तरकीबें, अंत में एक तरकीब इंटरनेट पर मिल गई, दो ऐसे लोग जो पिशाचों को मारने का दावा करते थे, पिशाचों को पकड़ने का उनकी एक टीम थी, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, अब सौदा 10 लाख में हो गया। मैंने उन्हें पूरी बात बता दी और वो तो खुद ढूंढ रहे थे वो पिशाच जो इंसानों के बीच रहते हैं। अब उन्हें लेकर पहुँच गया मैं गोवा के उस होटल में, जैसे ही उन्होंने उस पिशाच को देखा वो समझ गए एक पिशाच है, वो खतरनाक सफ़ेद पिशाच, इसे पकड़ने के लिए बड़ी तरकीब लगानी होगी। इसके बाद सौदा पक्का हो गया, मैंने उन्हें उनको थमा दिया और बदले में उसने एक कांच की बड़ी सी बोतल दी। उसने कहा इस बोतल को तोड़ना वहीं जहां वो लड़की हो, तोड़ते ही उसकी आत्मा उसमें आज़ाद होगी और वो जो चाहे वो कर सकती है।
वो दो आदमी मैं वहीं पर छोड़कर आया था और उन्होंने खुद कहा था आप जा सकते हैं, यहाँ थोड़ा घमासान मच सकता है। मैं तो वहाँ से बोतल लेकर निकल आया, पीछे क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं पहुँच गया उस पहाड़ी के ऊपर और उस पहाड़ी पर पहले से इंतज़ार कर रही थी परिणीति, मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी। तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, वो बहुत खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर। मैं जानता था उसे मुझसे लगाव हो गया है और उसके लिए मैंने भी इतना बड़ा दाव खेला, लगाव तो मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे ही मैंने उस पत्थर पर बोतल तोड़ी, उसका शरीर थोड़ा सा बदल गया था, वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसके जो बड़े बड़े कान थे वो छोटे हो गए, अब वो और भी सुंदर दिखने लगी थी। उसने मुझे गले से लगा लिया और उसके बाद रूप बदलने की बहुत कोशिश की, ना तो वो बिल्ली बन पाई ना वो ऊंची छलांग लगा पा रही। हम इकट्ठे उतरे थे उस पहाड़ी से, उसके बाद मैं उसे मोहाली वापिस लेकर आया था। वो भी अनाथ थी, उसका भी किसी ने पीछा नहीं किया। वो ऐसा पिशाच था जो ढूंढा करता था ऐसी लड़कियों को जिनके आसपास कोई ना हो, और मुझे मिल गई थी वो लड़की जो उसकी कैद में थी और मेरी मंगेतर बनी। मैं उसे मोहाली ले आया और हम एक साथ रहने लगे। जल्द ही हमारी शादी भी होने वाली है और मैं सोच रहा था मेरी किस्मत काफ़ी तेज़ है, एक ऐसी लड़की मिली है जिसे किसी और चीज़ से लगाव ही नहीं था, वो तो इंसानियत में जीना पसंद कर रही थी जिसे वो छोड़ आई थी एक डायन बनकर। कुछ दिनों बाद जब मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, आखिर उन्होंने उस पिशाच को पकड़ लिया या नहीं, मुझे बस यही खबर मिली थी उसकी टीम से कि वो वापस आए ही नहीं, कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। और इस चीज़ ने मुझे और परिणीति को भी डरा कर रख दिया था। क्या वो पिशाच जिंदा है या पकड़ा जा चुका है? अगर तो पकड़ा जा चुका है तो वो दो लोग कहाँ गए जो पिशाचों को पकड़ते हैं? अगर पकड़ा नहीं गया तो वो आगे क्या करना चाहता है? ये एक ऐसा माहौल था जिसने हम दोनों को डरा तो दिया था, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ये कहानी का अंत है। ऐसी ही कहानी तो हमारी जिंदगी में भी होती है, हमें लगता है हीरो और हीरोइन मिल चुके हैं और कहानी का अंत हो गया, असल में ऐसा नहीं होता। ये कहानी ताउम्र चलती ही रहती है, हमारे ऊपर भी मुसीबतें ताउम्र आती ही रहेंगी। मुझे मेरा प्यार मिल चुका है और परिणीति को उसका प्यार, हम जल्द ही एक हो जाएंगे और उस मुसीबत का फिर से डटकर मुकाबला करना चाहेंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि हर कहानी का हैप्पी एंड नहीं होता, कहानी चलती रहती है, बार बार हैप्पी मोमेंट्स आते हैं, आपको लगता है हैप्पी एंडिंग हो गई, कहानी में फिर एक मोड़ आ जाता है, हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है।